नमस्कार, आपको मैं बताने वाला हूँ आज 7 तरीके आपका पैसा इन्वेस्ट करने के, कि आपने पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले यह है कि आप जितना नेट कमाते हैं, नेट इनकम है, तो उसका 50, 30 और 20 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। 50% मतलब जो आपको जरूरी है, नीड बेस्ड जो खर्चे हैं, किराना, अनाज, दूध, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मतलब घर खर्चे, बच्चों की फीस वगैरह जो जरूरत है, पेट्रोल, उसके लिए 50% की जो आपको रोज लगता है और वो महीना चलाने के लिए लगता ही है। 30% जो आपका है वो आपके लग्जरी के लिए खरीदना है। और लग्जरी मतलब कौन सी है? लग्जरी मतलब ऐसे कि आपको फ़ोन होना है, आईफोन होना है, अच्छा बच्चों को अच्छे स्कूल में डालने का है इंटरनेशनल, या कार खरीदना है उसका ईएमआई है, फ्लैट खरीदना है उसका ईएमआई है, उसमें का 30%, वो 30% उसमें का जाएगा। और 20% आपका होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसा करना आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्ट करने के पहले जो आपका 20% बचा है उसमें से पहले आपने ये देखना चाहिए कि आपका इंश्योरेंस कितना है, और वो टर्म इंश्योरेंस जो है वो आपका एनुअल इनकम जितना है, वार्षिक आय का 25 गुना ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, ताकि आपको कुछ कम ज़्यादा होता है तो आपकी फैमिली सफर नहीं होगी। ये हो गया पहला टर्म इंश्योरेंस। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। सबका हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है, क्योंकि आपको कुछ मेजर ब्रेकडाउन आता है हेल्थ में तो आपका पूरा बजट जो है वो चला जाता है, तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस आपका है। और वो भी अच्छा खासा कवरेज आपको 10 से 15 लाख का मिलता है, सब मिला के, सब फैमिली मिला के, तो अच्छा रहता है। तीसरा है इमरजेंसी फंड। और इमरजेंसी फंड मतलब वो है फंड है कि जो आपको, समझो आपका कमाना एक साल तक बन रहा, एक साल तक आप कुछ भी नहीं कमा रहे, तभी भी आपके पास में उतना पैसा है कि आपका नीड बेस घर खर्चा चलेगा। इसका मतलब ऐसा है कि आपको घर खर्चा चलाने के लिए 50,000 रुपये लगता है हर महीने में, मस्ट है, 50 तो लगता ही है, तो फिर उसका 12 गुना ज़्यादा, मतलब 12 महीने का मतलब 6 लाख रुपये, तो 6 लाख रुपये आपका होना चाहिए इमरजेंसी फंड, ताकि आपको कोई भी ब्रेकडाउन हो गया तो आपका 50,000 रुपये महीना और 6 लाख रुपये निकाल देंगे आप। तो ये 3 मेजर आस्पेक्ट। अब आएंगे कि 20% कहाँ कहाँ गुताने का है। एक है फिक्स डिपॉजिट बैंक में। अब आप स्टेट बैंक में जाते हो तो आपको 5-6% मिल जाता है, अभी थोड़े रेट बढ़ गए, 7% है, और इन्फ्लेशन को वो बीट नहीं करता। इसका मतलब आपने 1 लाख रुपये यदि बैंक में रखे हुए और आपको 7% भी मिल रहा है, तो आपको एक साल के बाद में 1,07,000 रुपये वापस मिलेगा, और तब तक महंगाई इतनी बड़ी होंगी कि आपको उतनी चीज़ें खरीदने के लिए 1,10,000 रुपये लगेगा। इसका मतलब यह है कि बैंक में पैसा रखना मतलब वो अपना पैसा कम करना है, तो बैंक में उतना ही पैसा रखना जो इमरजेंसी फंड अपना है, उतने बैंक में रखना है। नंबर दो है अलग अलग पोस्ट ऑफिसेज की स्कीम्स है, रिटायर लोगों के लिए है, सीनियर लोगों के लिए, तो बच्चों के लिए, तो ऐसी स्कीम्स है, उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 6-7% 8% ब्याज मिल जाता है, तो वो आपने लेना जरूरी है, वो आप ले सकते हैं, उसमें भी कुछ फंड डालना है। तीसरा जो है वो है गोल्ड। गोल्ड ऐसा बोला जाता है कि रात में 12 बजे भी आपको पैसा चाहिए तो गोल्ड का पैसा काम में आता है, और गोल्ड में मतलब ज्वेलरी नहीं, गहने नहीं, प्योर गोल्ड, कि वो कभी भी गए तो उतना पैसा आपको मिल जाएगा। और गोल्ड में भी आपको 7-8% या 7-9% आपको रिटर्न मिल जाता है, तो गोल्ड में आपने कुछ पैसा रखना है, आप गोल्ड बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। तीसरा जो है वो है रियल इस्टेट, मतलब जमीन। जमीन में बहुत पैसा मिलता है, 5 साल में डबल तो हो ही जाएगा, मगर ऐसा है कि जमीन खरीदना एक आम आदमी का काम नहीं होता है, क्योंकि आजकल इतने भाव महंगे हो गए, बढ़ गए हैं, कि आपको अच्छी ज़मीन और मौके की ज़मीन खरीदना है कमर्शियल, तो आपको बहुत महंगा पड़ जाता है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसा भी हो सकता है। तो रियल इस्टेट में पैसा गुताना सामान्य आदमी को जमता नहीं है, मगर अभी जो रिसेंटली 2-3 साल में पिछले जो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट चालू हुए, तो ये क्या करती है, ये कंपनीज बड़े बड़े शहरों में ज़मीन लेती है, कमर्शियल लैंड लेती है, कमर्शियल बिल्डिंग लेती है, वो किराए से देती है, और वो सब खरीदने के लिए आपके पास में पैसा लेती है, आपके पास से, तो आप उनको पैसा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स और शेयर्स, उनका स्टॉक जैसे ही ट्रेडिंग होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और आप कम से कम मतलब 400 रुपये भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, 300, अभी आज जो भाव है वो है 319-320 का समझो, तो वो 320 के भाव में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, कि जो एम्बेसी पार्क करके है या माइंड स्पेस करके, उसमें आप डाल सकते हैं, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 9-10%, 11%, मतलब ये रेंज में पैसा मिल जाएगा। और आपको मतलब एक तो डिविडेंड आएगा, और जिनको डिविडेंड चाहिए रेगुलरली उन्होंने उसमें करने चाहिए। तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जिसमें आपको ये भी लगेगा कि चलो मैंने ज़मीन में इन्वेस्टमेंट किया है और ज़मीन का मैं मालिक हूँ, भले वो 300 रुपये होंगे, तो
तो एक यूनिट जो है एम्बेसी पार्क का, वो भी जो कल का था वो 319 रुपए का था भाव, तो आप एज लो एज 319 रुपए में डालते तो आपको एक यूनिट मिल जाएगा और आपको लगेगा इमोशनली कि नहीं मेरी जमीन बंगलोर में भी है। तो ये हो गया चौथा ऑप्शन। पांचवा ऑप्शन है कॉरपोरेट बॉन्ड्स। मैं बताया पहला जो है वो फिक्स डिपॉजिट बैंक में, दूसरा पोस्ट डिपॉजिट, तीसरा गोल्ड, चौथा जो है रियल इस्टेट, पांचवा जो है वो है कॉरपोरेट बॉन्ड्स। रेगुलर इनकम मिलता है, बड़े बड़े जो जाने माने कंपनीज है वो कंपनी के यदि कॉरपोरेट बॉन्ड्स आप लेते हैं तो 9-12% उसमें आपको रिटर्न मिल जाएगा और रेगुलरली इनकम मिलता है। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि कंपनी अच्छी होना जरूरी है। कंपनी बहुत ज़्यादा ब्याज दे रही है तो इसका मतलब कंपनी हल्की है। अच्छी कंपनी जो है वो ज़्यादा ब्याज देंगे नहीं, 9-10% देगी। तो इसमें आपको ये देखना है कि उसका ट्रिपल ए रेटिंग है क्या, AAA, इसका मतलब वो कंपनी अच्छी है और उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रिपल ए कंपनी जो है वो 9-10% देगी। तो पांचवा है कॉरपोरेट बॉन्ड्स जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर छठवा है म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड हाउस होता है, HDFC का म्यूचुअल फंड है, SBI का म्यूचुअल फंड है, इससे बड़े बड़े कंपनीज का म्यूचुअल फंड है, उसमें एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो एक्सपर्ट क्या करते हैं कि अपना दिमाग लगा के अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं और आप मतलब 200-500 रुपए भी उसमें डाल सकते हैं। क्योंकि समझो कि आज मुझे मारुति का स्टॉक खरीदना है तो मुझे चाहिए कम से कम 8,800 रुपए आज का भाव समझो है। तो अब 8,800 मेरे पास में नहीं है, मेरे पास में 500 रुपए है, तो मैं 500 रुपए का म्यूचुअल फंड खरीद सकता हूँ, जितने यूनिट आएंगे उतने आएंगे। और वो म्यूचुअल फंड के पास में हो सकता है कि 50 शेयर्स है तो मुझे 50 शेयर्स का एवरेज मिल जाता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो मैनेज करता है वो उसमें चार्ज लगाता है 0.5-1%, वो आपको देना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ हम स्टॉक की भी बात करेंगे। स्टॉक में जो लार्ज कैप मतलब जो बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनीज है उसमें आप डालते हैं तो पैसा कम मिलेगा, मगर आके बंद करके आके मिचकर आप डाल सकते हैं और उसमें भी 12-15% मिल सकता है। देखो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल इस्टेट, ये सब जो है ना इसमें कम से कम आप 10 साल की बात करो, 10 साल के पहले निकालो मत, मिनिमम तो 5 साल तो होना ही रहे पड़ेगा। तो ब्लू चिप कंपनी में आप डालते हैं और 10 साल के डालते हैं तो आपका पैसा 4 गुना आराम से हो जाएगा। और ब्लू चिप कंपनी में आप डालेंगे तो आपने 10 कंपनी चूज करना है, अलग अलग ब्लू चिप एकदम मस्त कंपनी है। और कौन सी कंपनी, तो आपके आजू बाजू में देखो कौन से प्रोडक्ट आप वापर रहे हैं, आपके यहाँ AC कौन से कंपनी का है, जो कौन सा ज़्यादा AC चलता है, कार कौन सी ज़्यादा चलती है मारुति, प्रोडक्ट किसके है ज़्यादा, चाय किसका पीते हैं टाटा टी, जो बिस्किट्स आते हैं पार्ले जी आता है किसका, हिंदुस्तान लीवर। मतलब आप देखो कि आपके आजू बाजू में टूथपेस्ट कौन सी है, कोलगेट, पेंट कौन सा लगाते हैं, आशियन पेंट, ऐसी कंपनी है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करो भूल जाओ। होटल्स किसके अच्छे हैं, ITC, देखने का काम ही नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी जो है उसमें स्टडी करनी पड़ेगी आपको, अच्छी कंपनी है तो उसमें इन्वेस्ट करना है और आपको यदि इसमें पढ़ाई नहीं करनी है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और शेयर्स में 12-15% इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल सकता है, उसमें रिटर्न अच्छा मिल सकता है। फिर सातवां जो है वो है स्मॉल केस। और स्मॉल केस क्या होता है, स्मॉल केस में कंपनीज है कि जो एक थीम बेस लेके चलती है और एक बास्केट बनाती है वो शेयर्स का। मतलब ऐसा है कि समझो अभी ऐसा लगता है लोगों को कि रूरल जो एरिया है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और रूरल डेवलपमेंट करने में जो कंपनीज काम कर रही है तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करना, अब ये थीम है। तो वो थीम में जो जो कंपनी काम कर रही है वो कंपनी के शेयर ये जो स्मॉल केस है वो खरीद लेगा, ये बास्केट खरीद लेगा, 10-12-15 शेयर होंगे, आपने उसमें इन्वेस्ट करना है और आप एज लो एज 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब 5,000 रुपये में आपको 10-15 कंपनीज का एवरेज मिल जाता है। इसमें फ्री है इन्वेस्टमेंट और कुछ पेड भी है, इसका डिटेल मैं बाद में बता दूंगा। तो स्मॉल केस में आप करते हैं तो ये सातवां है। और आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते तो आपने ये देखना है कि आपका जो पोर्टफोलियो वो अलग 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 जगह पे इन्वेस्ट करना है। आप स्मॉल केस में करते हैं और थीम में करते हैं तो आपको डेफिनेटली 15-20% मिलने के चांसेस पूरे हैं। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट आप कीजिएगा और आपको उतना इन्वेस्टमेंट करना है कि जो इन्वेस्टमेंट से आपको महीने में जो खर्चा लगता है वो खर्चा आपको वहां से मिल रहा है। नीड और कंफर्ट सब मिला के यदि आपके लोग 1,00,000 रुपए लगते हैं तो आपको कम से कम 1-1.25 करोड़ रुपए उसमें डालना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट मिला के, या 1.5 करोड़ डालो। और आपको 2,00,000 रुपए लगता है हर महीने में, और 2,00,000 क्यों लगेगा, क्योंकि समझो आपको 50,000 रुपए घर खर्चे लाने में लगते हैं और 1.5 लाख रुपए आपको मजा करना है, पिकनिक जाना है, फॉरेन टूर जाना है, गाड़ी खरीदना है, उसको 1.5 लाख रुपए लगते हैं हर महीने की। तो आपको 2-2.5 करोड़ रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अलग 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 जगह पे, तो आप फ्री हो गए, आपको 2,00,000 रुपए मिल रहे हैं। और फिर आप क्या करो, आप मजे करो, फिर जो आपकी पैशन है वो पूरी करो, मजे करो। थैंक यू वेरी मच।